हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ बेटा? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। हम पांच न्यूमेरिकल करेंगे इम्पोर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है? दो बेसिक न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, तो न्यूमेरिकल वन से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। न्यूमेरिकल वन क्या है? एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है हमारे पास। क्या करता है? एनलार्ज करता है ऑब्जेक्ट को। बेटा ऑब्जेक्ट जो होता है उसके साइज को क्या करता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप? एनलार्ज करता है, मैग्नीफाई करता है, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा है उससे? ऑब्जेक्टिव है। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पास ऑब्जेक्टिव भी होता है और आईपीस भी होता है, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव से जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर पड़ा है? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर पड़ा है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव लेंस है वो कॉम्बिनेशन है 3 कन्वेक्स लेंसेज का। इस बार ऑब्जेक्टिव लेंस कॉम्बिनेशन है 3 कन्वेक्स लेंसेज का, ठीक है? और जो कि कॉन्टैक्ट में है तीनों कन्वेक्स लेंसेज, ठीक है? उनकी फोकल लेंथ मिलाकर कितनी है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है? यानी पूरे ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इफ अ कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव में से, देखो ऑब्जेक्टिव 3 लेंस से मिलकर बना है, ठीक है ना? तीनों कन्वेक्स लेंस है और जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है उनकी वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अगर उन 3 कन्वेक्स लेंस में से एक 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ वाला कन्वेक्स लेंस निकाल लिया जाए, क्या करा है? रिमूव कर दिया, ठीक है? इज रिमूव फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, फाइंड द डिस्टेंस बाय विच आईपीस इज टू बी शिफ्टेड। आपको बताना है कि आईपीस को कितना शिफ्ट करें कि इमेज आईपीस से जहां पे बन रही थी, आईपीस से जितनी दूरी बन रही थी उतनी दूरी पे ही बने। इमेज आईपीस से जितनी दूरी बन रही थी उतनी दूरी पर ही बने, ठीक है? चलो कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहली बात हमें क्या गिवन है, देखो सबसे पहली बात हमें गिवन है 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है? लेंस फॉर्मूला हमें पता होता है, लेंस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब हमें क्या गिवन है बेटा, हम v निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? v सबसे पहले, ठीक है? u कितना है? 3 सेंटीमीटर है, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव से इधर ही होता है तो -3 ले लिया बेटा। अब मान लो ये 3 कन्वेक्स लेंसेज हैं, 1, 2 और 3। ये 3 लेंसेज कॉन्टैक्ट में है। ये 3 लेंस किस में है बेटा? कॉन्टैक्ट में है। तीनों कन्वेक्स लेंस है। तीनों लेंस कैसे हैं? कन्वेक्स लेंस है। ये ऑब्जेक्टिव है पूरा का पूरा। ये पूरा का पूरा क्या है? ऑब्जेक्टिव है कंडीशन वन, जो मुझे कंडीशन वन गिवन है, जो मुझे वन कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से क्या है बेटा? ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना? और इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी है? कितनी है बेटा? 2 सेंटीमीटर। कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और एक ऑब्जेक्ट इससे कितनी दूरी पर रखा है? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ठीक है? कितनी दूरी पर रखा है बेटा? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो -3 आया कि नहीं आया? और एफ कितना है? 1/2। तो कितना आया बेटा सोल्व करके? 1/v आ गया, 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, उधर जाके क्या हो गया? माइनस हो गया, ठीक है? तो कितना आया? 6, और आया 3 - 2, तो v आ गया 6 सेंटीमीटर। क्या आ गया बेटा? v 6 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है बेटा? इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी 6 सेंटीमीटर पे है, समझो यहाँ बनी कहीं पे, और ये कितना है? कितना है बेटा ये? 6 सेंटीमीटर, सही है? ये तो मुझे कंडीशन वन में गिवन था। अब कंडीशन टू में क्या गिवन है मुझे? कंडीशन टू में ये गिवन है कि इनमें से एक लेंस मैंने रिमूव कर दिया, इन तीनों लेंस में से एक लेंस रिमूव कर दिया, और जो लेंस रिमूव किया ना उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि बेटा अगर ये 3 लेंस होते हैं, ये क्या होते हैं? 3 लेंस, ठीक है? और इसकी फोकल लेंथ क्या है? F1। इसकी फोकल लेंथ क्या है? F2। इसकी फोकल लेंथ क्या है? F3। तो 1/f इक्विवेलेंट कितना आता है जल्दी बोलो? 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 आता है बेटा, सही बात है? अगर ये दो बचेंगे, अगर ये दो बचेंगे, मान लो ये F2 रिमूव कर दिया, तो 1/f1 + 1/f3 बचेगी इक्विवेलेंट, बोलो बचेगी कि नहीं बचेगी? f इक्विवेलेंट और n लगा दिया मैंने, प्राइम लगा दो, चलो f इक्विवेलेंट फाइनल वाली, यही बचेगी कि नहीं बचेगी? सही है? तो कैसे निकलेगी बेटा ये 1/f1 + 1/f3 की? अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो तो 1/f इक्विवेलेंट में से 1/f2 माइनस करना पड़ेगा, यानी जो लेंस आपने रिमूव किया है उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1/f इक्विवेलेंट में से माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आएगा बेटा? पहले कितनी थी? 1/2 थी, माइनस करना पड़ेगा कौन सा? F2 वाला। F2 वाला कौन है? 10 सेंटीमीटर वाला। ये देखो गिवन है ना आपको 10 सेंटीमीटर वाला, ये रहा, ठीक है? तो ये आएगी न्यू फोकल लेंथ,
क्या है, ये न्यू फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है। अब दो लेंस हो गई, सही है, पक्का। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एफ वन था, ये एफ टू था, ये एफ थ्री था, तो ये क्या बचे, एफ वन और एफ थ्री बचे। एफ टू को रिमूव कर दिया मैंने, मैंने किसको रिमूव कर दिया, एफ टू को रिमूव कर दिया। ऑब्जेक्ट अभी भी कितनी दूरी पे है बेटा, 3 सेंटीमीटर की दूरी पे, कितनी सेंटीमीटर की दूरी पे है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो पहले तो ये देख लो कितना आ गया, एलसीएम ले लो, 10 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया, माइनस 1, 1 बाय एफ इक्विवेलेंट न्यू, तो 1 बाय एफ इक्विवेलेंट न्यू कितना आ गया बेटा, जल्दी बोलो, 4 अपॉन 10, 4 अपॉन 10 कितना होता है, 2 अपॉन 5, कितना होता है बेटा, 2 अपॉन 5 आ गया, सही है, आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, 1 अपॉन v क्या आएगा, अब न्यू v क्या आएगा, v1 माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f इक्विवेलेंट प्राइम, बोलो। तो v1 क्या आएगा इस बार, u कितना है, माइनस 3, और f इक्विवेलेंट प्राइम कितना है, 2 बाय 5, सही है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 अपॉन v1 कितना आ जाएगा बेटा, 2 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 3, कितना आ गया, 15 एलसीएम आ गया, कितना एलसीएम आ गया बेटा, 15। अब 15 एलसीएम आ गया, 3 2 6 हो गया माइनस, और ये कितना हो गया, 5, बोलो। तो कितना आ गया बेटा, v1 कितना आ गया आपके पास, यहाँ से v1 आ गया आपके पास कितना, 1 बाय 15, और रेसिप्रोकल करोगे तो 15 आ गया, कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर, कितना आ गया बेटा, 15 सेंटीमीटर, सही है। तो कहाँ इमेज बनने लगी, 15 सेंटीमीटर पे बनने लगी, कहाँ बनने लगी, 15 सेंटीमीटर पे, सही है बेटा, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 15 सेंटीमीटर पे इमेज बनने लगी। मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बाय विच आई पीस इज टू बी शिफ्टेड, आई पीस को शिफ्ट किया जाए ताकि इमेज वहीं बने, रीफोकस हो जाए, इमेज क्या हो जाए बेटा, रीफोकस हो जाए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि जितनी, जैसे फॉर एग्जांपल आप सिंपल सी भाषा में समझो इस बात को, मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, इसको मिटाओ के, इसको तो ये तो आपको पता लगी क्या क्या है, ठीक है, इसको ही मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा आपको समझाने के लिए अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये हम देख चुके हैं कैसे निकाला हमने, ठीक है बच्चों। अब समझो हो क्या रहा है बेटा, सबसे पहले क्या हो रहा था, ये था मेरा ऑब्जेक्टिव, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। मान लो मेरी यहाँ पे क्या थी, ऑब्जेक्ट था, कितनी दूरी पे था, 3 सेंटीमीटर पे था, और यहाँ कहीं आई पीस था, यहाँ क्या था, कहीं आई पीस, समझो ढंग से समझो, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। तो मान लो एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है, ऐसे समझो कि आईपीस से ये कितनी दूरी पे था, मान लो यू, कितनी दूरी पे था, यू, ठीक है। आईपीस से अभी जितनी भी यू दूरी पे था, तो उसके लिए इमेज कहीं वी पे बन रही होगी कि नहीं बन रही होगी, पक्का। अगर आईपीस से जो ये जो इस ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए जो ऑब्जेक्ट था बेटा वो ये था, इस ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज बनी वो ये बनी, ये इमेज अब आईपीस के लिए कैसा काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो वो ऑब्जेक्ट मान लो यू पे था, कहाँ पे था, यू पे, तो उसके लिए वी पे इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी, अगर इसकी फोकल लेंथ क्या है, एफ ई, क्या है बेटा, एफ ई। मैं चाहता हूँ कि अभी भी एफ ई पे ही इमेज बने, सॉरी वी पे ही इमेज बने, अभी भी मैं क्या चाहता हूँ कि इमेज कहाँ बने, वी पे ही बने। अगर वी पे ही इमेज बनाना चाहता हूँ, फोकल लेंथ आई पीस की वही है, तो यू भी वही का वही रहना चाहिए, यू भी क्या रहना चाहिए, वही का वही रहना चाहिए बेटा, ठीक है। तो पहले ये चीज़ क्या थी बेटा, पहले ये चीज़ कितनी थी, कितना आ रहा था, ये 6 सेंटीमीटर आ रहा था, अब ये कितना आने लगा बेटा, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है, ये 3 सेंटीमीटर है, फिर से जो न्यू फोकल लेंथ हो चुकी है, एफ न्यू, एफ इक्विवेलेंट न्यू, ये वाली ऑब्जेक्टिव की, इसके अकॉर्डिंग कितना आने लगा, 15 पे आने लगा, कितना आने लगा बेटा, 15 पे आने लगा, सही बात है कि नहीं है बेटा, पक्का। तो अब भी ऑब्जेक्टिव से ये जो बन रहा है, ऑब्जेक्टिव से आई पी से, सॉरी, ये यू पे ही रहना चाहिए, ये यू पे रहेगा बेटा, ये जो इमेज थी ऑब्जेक्टिव की, आई पीस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे होना चाहिए, अभी भी यू पे होना चाहिए, क्योंकि आई पीस की भी फोकल लेंथ एफ ही है, और आई पीस ने अभी भी इमेज कहाँ बनानी है, वी पे ही बनानी है, रीफोकस करना है उसने इमेज को, क्या करना है उसने, रीफोकस करना है बेटा, ठीक है। तो आई पीस को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, आई पीस को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा बेटा, तो कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 15 सेंटीमीटर माइनस, पहले कितना था, 6 सेंटीमीटर, तो कितना शिफ्ट करना पड़ेगा,
9 सेंटीमीटर। कितना शिफ्ट करना पड़ेगा बेटा आईपीस को? 9 सेंटीमीटर, सही है बेटा। तो कि पहले आईपीस किस पे था? 6 प्लस यू पे था ऑब्जेक्टिव से। पहले आईपीस कितने किस पे है? 6 प्लस यू पे है ऑब्जेक्टिव से। अब आईपीस किस पे है? 15 प्लस यू पे है ऑब्जेक्टिव से। तो 15 प्लस यू में से 6 प्लस यू गए, यानी यू से यू तो कट ही गया, 15 में 6 है कितना आ गया? 9। तो आपका आंसर आ गया, फाइंड डिस्टेंस बाय विच आईपीस इज टू बी शिफ्टेड टू रीफोकस द इमेज इज व्हाट, कितना आना चाहिए? 9 सेंटीमीटर। कितना आना चाहिए? 9 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपको आना चाहिए, ठीक है बेटा। ओके बच्चों, आपके लिए अब मैं न्यूमेरिकल 2 लेके आया हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये भी आपको आना चाहिए बेटा, ठीक है। क्या न्यूमेरिकल है? एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको पता है आईपीस भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो आईपीस और ऑब्जेक्टिव दोनों की फोकल लेंथ गिवन है, ठीक है, और सेपरेशन उनके बीच में कितना है? 12 सेंटीमीटर। आईपीस और ऑब्जेक्टिव के बीच में सेपरेशन कितना है? 12 सेंटीमीटर, यानी ट्यूब लेंथ, ठीक है। हमें क्या बताना है? फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर फाइनल इमेज टू बी फॉर्म दैट नियर पॉइंट। हमें क्या बताना है कि ऑब्जेक्टिव से कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसको आप मैग्नीफाई करके देखना चाहते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ताकि फाइनल इमेज आईपीस से बनती है, ठीक है। फाइनल इमेज जो आईपीस से बन रही है वो कहाँ पे बने? नियर पॉइंट पे बने। कहाँ पे बने? नियर पॉइंट पे बने, ठीक है। तो बेटा हमें दो काम करने होंगे, एक ऑब्जेक्टिव के लिए और एक आईपीस के लिए, ध्यान सुनेंगे, ठीक है। सबसे पहले आईपीस के लिए कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि आईपीस का मुझे वी पता है। क्या पता है? वी। आपके दिमाग में डायग्राम रहना चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, आपके दिमाग में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम रहना चाहिए, ठीक है। तो वी कितना है? वी कितना है बेटा? माइनस डी, यानी माइनस 25 सेंटीमीटर। माइनस 25 सेंटीमीटर मैग्नीफाई तभी होगा। देखो बेटा डायग्राम भूल रहे हो आप, ये क्या था? ऑब्जेक्टिव, और ये क्या था बेटा? आईपीस था, सही है, ऐसे ही था। बोलो, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से, ठीक है, इससे रेज निकली, ठीक है, तो ऐसे समझो आप ऑब्जेक्ट से रेज निकली तो कहीं यहाँ पे मिली, ध्यान से देखो, ठीक है। देखो ध्यान से, ये क्या था? ऑब्जेक्टिव। ये क्या था बेटा? आईपीस, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट था जिसको आप मैग्नीफाई करके देखना चाहते हो, ठीक है, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो रे सीधी निकाल दो, फोकस से निकलेगी, फोकस से पास होगी, और एक रे कहाँ से निकाल दो? यहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये यहाँ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी, ये दोनों रेज यहाँ मिलेंगी, सही है। फिर ये क्या रखा हुआ है आगे? आईपीस रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ये आईपीस। फिर इससे रेज क्या करेंगी? मीट करेंगी कहाँ पे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। बोलो बेटा, ऐसे ही तो पढ़ाया था मैंने आपको। और ये कितना होना चाहिए आईपीस से? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर यहाँ मिल रही हैं। ये क्या होना चाहिए? यू ओ, ठीक है। ये क्या होता है इधर, यहाँ से यहाँ तक? वी ओ। बोलो बेटा, ये वी ओ तो होता है, और ये क्या होता है फिर? यू ई। ये क्या होता है? एफ ई। और इसके पास क्या है? एफ ओ। ऐसे ही तो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था मैंने आपको? ये डायग्राम को आना चाहिए, मेरे बनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप सबको दिमाग में होना चाहिए डायग्राम, ठीक है। खैर, तो देखो ऑब्जेक्टिव जो आईपीस से वी कितने पे है? 25 सेंटीमीटर पे, तो पीछे है तो माइनस 25, ठीक है। एफ ई कितना है? एफ ई कितना है आईपीस का? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यू ही निकल जाएगा यहाँ से, तो लगा दो 1/v - 1/u = 1/f। वी कितना है? वी मुझे पता है, माइनस 25। यू माइनस यू ही है इधर, यू क्या है? माइनस यू ही, ठीक है। और एफ कितना है? एफ है 5 सेंटीमीटर। कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और ये माइनस का 1/25 उधर का, 1/ प्लस का 1/25 हो गया, तो 1/UE कितना आ गया? 1/5 प्लस 1/25, ऐसे ही आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, तो कितना आ गया बेटा? ये 25 सेल्सियम आ गया, ये 5 जगह 1, तो कितना आ गया यू ई? कितना आ गया? 25/6। यू ई कितना आ गया? 25/6, यानी ये दूरी आ गई मेरे पास कितनी? 25/6 सेंटीमीटर में। कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है। अपने को एक चीज़ पता है, अपने को ऑब्जेक्टिव और आईपीस की दूरी पता है। देखो ध्यान से, ढंग से सुनना, मजा आ जाएगा। अपने को ये दोनों लेंस के बीच की दूरी पता है। कितनी पता है? सेपरेशन बिटवीन देम इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अपने को ये पता है, अपने को ये पता है, तो अपने को वीओ नहीं पता लग गया? कैसे?
12 में से 25 बटे 6 घटा दो, ठीक है, तो वीओ पता लग गया। तो वीओ कितना आ गया, 12 में से वी, ऑब्जेक्टिव के लिए वी कितना आ गया, 12 में से 25 बटे 6 घटा दो। अरे ये आईपीस के इस लेंस के लिए था, ये अब इस लेंस के लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे इस लेंस के लिए ये पता लग गया वीओ, इस लेंस के लिए मुझे एफओ पता है, तो इस लेंस के लिए यूओ पता करना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? बिल्कुल ही बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो कितना आ गया, 12 6 72, 72 में से 25 गए भाई, 72 में से 25 गए, कितना हो गया, 12 में से 5 गए 7, ठीक है, ध्यान से देख लेना यार, कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए। ये कितना बचा, 6 6 में 2 गए 4, 47/6 आ गया, ठीक बोल रहा हूँ ना मैं, 47/6 आ गया, ठीक है। और एफओ कितना पता है मुझे, एफओ कितना पता है, एफओ मुझे पता है ये गिवन है 0.6 6/10, कितना गिवन है 6/10, तो ठीक है लगा दो, 1/V - 1/U = 1/F, तो V कितना है, VO कितना है, 47/6, तो क्या आएगा, 47 नीचे आएगा और 6 ऊपर आएगा, ध्यान से देखना, गड़बड़ मत कर लेना। अच्छा ये प्लस का आएगा माइनस का आएगा, अब ये देखने वाली बात, देखो लेंस से इधर, जो लेंस से इधर काम होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो लेंस से इधर काम होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ऐसा हम कन्वेंशन मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, 47/6 प्लस का, ठीक है, माइनस यू कितना है, यू मुझे निकालना है, यू, अच्छा ये यू प्लस का है माइनस का है, अब लेंस से किधर है, इधर, तो माइनस का है, ठीक है। एफ ओ कितना है, 6/10, तो ये आ गया 10/6, देख लेना मैंने ठीक लिखा है ना, 47/6 और 10/6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से यू आ गया, यहाँ से क्या आ गया यू, इसको यू को सॉल्व कर लो, कितना आएगा बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता इस मेहनत में, करनी पड़ेगी आपको, ये आएगा 1/U, 47 × 6 कर लो इसको, बाद में देख लेते हैं कुछ कर लेंगे, तो ये 6 है, 47 आया, 470 बना ऊपर, ये 47 है, 6 6 36 हुआ, अरे बोलो बेटा सही है ना, तो कितना आ गया, 10 में से 6 गए 4, कितना आ गया, 6 में 3 गए 3, ठीक है, और ये आ गया 434 × 47 × 6, यही आ गया, ये उल्टा रेसिप्रोकल कर देता हूँ इसको, तो कितना आ गया यू ओ, कितना आ गया यू ओ, आ गया आपके पास 47 × 6 डिवाइड में, कितना आया था ये, 10 में 6 गए 4 और 6 में से 3 गए 3 और 434 ही आया था ना ये, ठीक है, सही है, काट दो, 2 के पहाड़े पे भी कट जाएगा अभी, तो ये काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, काट लो, चलो काटना है तो 3 हो गया, ये कितना आ गया, 434, 434 2 के पहाड़े पे गया बेटा, कितना आ गया बोलो, अरे जुबानी आना चाहिए आपको, 2 कितना आ गया, 1 कितना आ गया, 7, सही है, तो यही आ गया, अब तो नहीं कटता किसी के पहाड़े पे, बिल्कुल भी नहीं कटता, तो ये कितना आ गया यू, ऐसा करो 7 21, 3 4 12 और 2 14, यानी 141/217 आ गया, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, जो भी आया, खैर मुझे उससे मतलब नहीं है, तो कैलकुलेशन पार्ट है, आप भी कर सकते हो। अब यू आ गया आपके पास, क्या आ गया आपके पास, यू आ गया, तो यू आ गया, तो एक काम तो हो ही गया, फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आ ही गया, ठीक है, क्या निकालना है दूसरा, एम, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बताओ, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बताओ जल्दी, पढ़ा रखा है आपको, माइनस वी ओ बाई यू इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, डी जानते हो 25, एफ ई जानते हो कितना है, एफ ई गिवन है 5, तो 25/5 5 और 1 6, तो एम आ गया माइनस वी ओ बाई यू इंटू 6, सही है। अब वी ओ और यू ये पढ़े, ये रहा वी ओ और ये रहा यू, उठा के डाल देंगे इस वी को, इस यू को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एम आ जाएगा। अरे कैलकुलेशन लंबी है, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको तरीका बता दिया कैसे करना है, ठीक है, तो मेथड आपको पता लगना चाहिए, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके बच्चों, अब मैं एक न्यूमेरिकल और लेके आया हूँ आपके लिए टेलीस्कोप का, ठीक है, डेरिवेशन बेस्ड न्यूमेरिकल है। क्या गिवन है आपको, टेलीस्कोप में एफ ओ गिवन है, एफ ई गिवन है, टेलीस्कोप को फोकस किया जा रहा है एक स्केल के ऊपर जो कि ऑब्जेक्टिव से 2 मीटर दूरी पे है, ऑब्जेक्टिव लेंस से 2 मीटर दूरी पे एक स्केल है, ठीक है, उससे उसको फोकस किया जा रहा है टेलीस्कोप से, ठीक। तो फाइनल इमेज आपको बतानी है कहाँ बन रही है, ठीक है, सबसे बड़ी बात ऑब्जेक्टिव
दो कहानी है, दो लेंस है और आईपीस, और आईपीस ध्यान सुनो। ऑब्जेक्टिव की कहानी बताऊं तो ऑब्जेक्टिव का आपको यूँ पता, देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ इसका भी फिर से, वैसे डायग्राम बार बार बनाने नहीं है, ये आपको आने चाहिए बेटा, ठीक है, फिर भी मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको डिटेल में समझ में आए कि कर क्या रहा हूँ मैं, ठीक है। ये था, ये बनी, फिर एक लेंस था, बोलो ऐसे ही था, फिर ये इधर, ये ऐसे गई रहे, ये ऐसे गई रहे, ये पीछे कहीं नियर पॉइंट पर मिली, कहाँ पर मिली, नियर पॉइंट पर, ऐसे ही था, अरे ऐसा ही है बेटा, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट मान लो आप कहीं यहाँ पे है, ऐसे समझो इस रे को ऐसे कर दो आप, ठीक है, ये जो दो, ये कितनी दूरी पे है, 2 मीटर पे, कितनी दूरी पे है बेटा, 2 मीटर पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है ये, आईपीस है, सबको पता है, ये आँख है इधर, इस आँख से स्केल को देख रहे हो, ये स्केल उल्टा नज़र आ रहा है यहाँ पे, इन्वर्टेड इमेज बनती है, सबको पता है ना, खूब डिटेल में पढ़ा रखा। तो ऑब्जेक्टिव की कहानी स्टार्ट करता हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव के लिए यू कितना है, यूओ कितना है, यू है मेरा माइनस का 200 सेंटीमीटर कर देता हूँ, क्योंकि सेंटीमीटर में है सारा, 2 मीटर है तो 200 सेंटीमीटर ही होगा, सही है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है, 50, बहुत सुंदर, प्लस का 50 लूँगा, तो v निकल आएगा, क्या निकल आएगा, 1/v - 1/u = 1/f, सिंपल। v, u कितना है, माइनस का 200, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। f कितना है, 50, तो v कितना आ गया बेटा, सॉरी v कितना आ गया, 1/50 में से 1/200 घटा दो, 200, 4 में से 1 गया 3, देख लेना ठीक लिखा है ना, 204 में से 1 गया 3, ठीक लिखा, 200/3 पे आ गया, यानी ये आ गया 200/3, ध्यान से देखा करो, 200/3, सही है, पक्का, ठीक। अब आईपीसी कहानी शुरू करते हैं, आईपीस की जो इमेज बन रही है फाइनल, वो कहाँ पे बन रही है, नियर पॉइंट पे, और ये नियर पॉइंट कितनी दूरी पे होता है, 25 सेंटीमीटर पे होता है, बचपन से पढ़ा रहा हूँ, बोलो सही है। अब आईपी से 25 सेंटीमीटर इधर के इधर, इधर और इधर जो भी काम होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो वी आ गया माइनस का 25 सेंटीमीटर है, एफ इक्वल, फोकल लेंथ किसकी, आईपीस की कितनी है, किधर है, 5 प्लस का, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कन्वर्ज करता रहे इसको, ठीक है, सबको पता है, कोई नई बात नहीं बता रहा मैं। तो v कितना है, माइनस का 25, u कितना है मेरे भाई, u मुझे निकालना है, ठीक है, और ये u ये है, और इसको आप मान लो माइन यू ई, इधर मान लो यू ई, ठीक है, तो यू ई कितना बन जाएगा, माइनस यू ई इधर है, ठीक है। f कितना है, 5, सही है बेटा, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, तो 1/u कितना आ गया, 1/5 + 1/25, तो 1/u आ गया 1/5 + 1/25, कैल्शियम लो 25, 5 और 1 = 25/6 आ गया, कितना आ गया बेटा, 25/6 सेंटीमीटर, सही है, कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक। तो क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास यू ही आ गया, ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों हमने खोल दिए, कैसा क्या 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 था, कैसे कैसे था, मुझे निकालना क्या है, एम होता है, याद करो, दो लेंस होते हैं, तो एमओ और एमई, एमओ क्या होता है, एमओ होता है वी अपॉन यू, ठीक है, तो अलग अलग लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको दिक्कत ना आए, इसका ऑब्जेक्टिव का एमओ, जल्दी बोलो, वी अपॉन यू, इसका वी कितना है, वी आया 200/3, और यू कितना है, यू कितना है, माइनस 200, ध्यान से देखा करो, गड़बड़ मत किया करो, ठीक है, तो एमओ कितना आएगा, माइनस 200 ने 200 को मार गिराया, माइनस का 1/3 आएगा, कितना आएगा, माइनस का 1/3, अरे आएगा कि नहीं आएगा बेटा, सही है। और इधर आईपीस के लिए करो एमई, वी अपॉन यू, चलो वी बताओ, वी इसका कहाँ है, माइनस का 25, यू बोलो, यू ये रहा 25/6, लेकिन इधर है, इधर है, तो कितना, माइनस 25/6, सही है, तो कितना आ गया, माइनस 25 ने माइनस 25 गिराया, 6 ही आ गया, अच्छा,
देखो आईपीस ने 6 गुना करा, आईपीस ने 6 गुना करा और ऑब्जेक्टिव ने माइनस का 1/3 गुना किया, तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 6 और माइनस का 1/3 कितना आएगा एम, माइनस का 2। टेलीस्कोप ने कितना मैग्नीफाई कर दिया स्केल को, दुगना। कितना मैग्नीफाई कर दिया, दुगना, सही है। यानी ये जो इमेज थी, जो भी है हाइट थी, और ये जो हाइट है ये डबल है, क्या है ये डबल, दुगना कर दिया ना। और नेगेटिव मतलब उल्टा कर दिया, ये ऊपर था ये कर दिया नीचे कर दिया, अरे सही है। तो एम आ गया, क्या आ गया आपके पास, एम ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ होता है ऑब्जेक्टिव और आईपीस की दूरी, ये दूरी बेटा, ये दूरी एल, ये ट्यूब लेंथ होता है। रफ डायग्राम मैं बार बार बना रहा हूँ, मैं फेयर डायग्राम नहीं बना रहा हूँ ये, ठीक है। तो कितना आएगा, 200/3 में यूई जोड़ दो, तो एल कितना आएगा, ट्यूब लेंथ 200/3 में यूई जोड़ दो, 25/6 जोड़ दो। इसको सॉल्व कर लोगे यार, इसको मैं क्या करके दिखाऊँ बताओ, कर लोगे इसको तो आप सॉल्व, क्या करोगे, 6 400 425 425/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 425/6। आसान न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन बेस्ड न्यूमेरिकल है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आना चाहिए आपको, ठीक है बच्चों। होप करता हूँ आपको समझ में आएगा न्यूमेरिकल। ओके बेटा, एक आसान सा ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, आपको आना चाहिए। क्या लेके आए, टेलीस्कोप के ऊपर बेस्ड है, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन दे रखी है 5। किसकी इतनी दे रखी है, 5, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो दूर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव इज 36 सेंटीमीटर एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी में बन रही है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन 5 है, क्या है, 5, और टेलीस्कोप आपको पता है बिल्कुल अपोजिट मैग्निफिकेशन देता है, कितनी देता है, बिल्कुल अपोजिट। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली फॉर्मूला होता है माइनस एफ ओ बाय एफ ई। तो कितनी दे रखी है ये, 5 नहीं दे रखी, -5 दे रखी है, क्यों, अरे जब फार पॉइंट पे देखते हैं, रिलैक्स आई के लिए देखते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता। अब ये 5 तो दे नहीं रखा, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैसी इमेज बनाता है, स्टार ऊपर होता है, नज़र कहाँ आता है, नीचे। तो आपको अंडरस्टूड है ये -5 है, अरे समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। और माइनस का एफ ओ बाय एफ ई, तो एफ ओ आ गया 5 FE, अच्छा, यानी एक की फोकल लेंथ दूसरे की 5 गुना है, ये तो पता लग गया, ठीक। ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी कितनी है, कितनी है, 36। अब इस चीज़ को देखते हैं, वह क्या होगा, ये लेंस होगा ऑब्जेक्टिव, ध्यान से देखो, तो ये रे गई होगी और एक ये रे होगी, ये यहाँ मिली होंगी, सही है। फिर इसने फाइनल इमेज, आईपीस ने फाइनल इमेज कहाँ बनाई होगी, कहाँ बनाई होगी, इन्फिनिटी पे बनाई होगी, ऐसे इन्फिनिटी पे, ये पीछे बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी, सही है। अब आपको सिखाया गया है ये पॉइंट, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इन्फिनाइट से रेज आ रही है, कहाँ मिलेंगी, फोकस पे किसके, ऑब्जेक्टिव के, और कहाँ मैं आईपीस रखूँ कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने, प्राइमरी फोकस पे आईपीस के, यानी एफ ई। ये दूरी कितनी है, ये दूरी है एफ ई। अरे बेटा रफ डायग्राम बनाया है मैंने, डिटेल में खूब पढ़ा रखा है मैंने, प्रॉपर इसको वर्किंग सब समझाया था इसका मैंने, याद आ गया होगा, ठीक है। यानी 36 मुझे दे रखा है, ट्यूब लेंथ गिवन है मुझे एफ ओ प्लस एफ ई, ठीक है। दो नंबर का जोड़ 36 है, एक नंबर दूसरे नंबर के 5 गुना है, तो वो दो नंबर क्या क्या है, बिल्कुल आसान है, इसको डाल दो एफ ई को, 5 FE और एफ ई कितना हो गया, 6 FE, 36 हो गया। तो एक नंबर क्या है, 6, एक नंबर 6 है, तो 6 × 5 = 30, तो दूसरा क्या है, 30, तो आ गई दोनों फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव आ गया 30 और आई पीस आ गई 6, सही है। बहुत ही आसान सवाल, साधारण सवाल, लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल, ठीक है।